हमीरपुर जनपद के पारा रेपुरा में छठ महोत्सव पर झांकियों के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। हमीरपुर जनपद में सुमेरपुर बांदा रोड स्थित ग्राम पारा रेपुरा में छठ महोत्सव कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम के साथ आयोजित किया गया। इस अवसर पर गांव में दर्जनों भव्य झांकियों की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसे देखने को भारी भीड़ उमड़ पड़ी। शोभा यात्रा के बाद गाँव के प्राचीन तालाब में श्री कृष्ण द्वारा कालिया नांग वध लीला का मंचन किया गया। लोगों ने बड़े ही चाव से श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखा। इस दौरान लगे मेले का भी लोगों ने भरपूर आनंद प्राप्त किया। रात में झांसी के मशहूर कलाकारों द्वारा नौटंकी भी प्रस्तुत की गई, जिसे देखने के लिए कई गांव के दर्शक मौजूद रहे। गौरतलब है कि तीजा मेला के तुरंत बाद छठ को ग्राम पारा में 10 वर्ष से जल विहार छठ उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ग्रामवासियों के सहयोग से लगातार किया जा रहा है। इस बार भी शुक्रवार के दिन जल विहार कार्यक्रम का भव्य आयोजन देखने को मिला, जिसमें स्थानीय कलाकारों के द्वारा एक दर्जन से अधिक महापुरुषों की भव्य झांकियां सजाई गईं और दोपहर बाद से गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। आयोजन को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस अवसर पर आल्हा गायन का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजन में पहुंचकर सदर विधायक डॉक्टर मनोज प्रजापति, भाजपा जिलाध्यक्ष बीके गुप्ता, कैथी प्रधान अरिमर्दन सिंह आदि ने कार्यक्रम में भाग लेकर लोगों का उत्साहवर्धन किया। आयोजन को सफल बनाने में वर्तमान ग्राम प्रधान, पूर्व ग्राम प्रधान जयकरण प्रजापति, निरंजन विश्वकर्मा सहित संपूर्ण ग्रामवासियों का सहयोग प्राप्त हुआ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।